सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बॉलीवुड फिल्म मीनाक्षी। फिल्म का पूरा नाम है मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज। तो ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है विकाश सुरेखा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस मूवी की रेटिंग, कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की डिटेल्स, साथ ही फिल्म के बजट, कलेक्शंस और सॉन्ग्स वगैरह के थोड़े बहुत अपडेट्स, ये सब डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज बॉक्स ऑफिस पर 2 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स की रेटिंग मिली थी और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसको M.F. हुसैन ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था राइमा हुसैन ने। करते हैं कास्ट की बात, तो इसमें तब्बू, कुणाल कपूर, रघुबीर यादव, रेमो डिसूजा और नदीरा बब्बर लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट था 4 करोड़ का। कलेक्शंस की बात करें तो डे वन पर इंडिया में 9 लाख रुपीज की ओपनिंग कलेक्शन हुई थी। फर्स्ट वीक में 42,50,000 की कलेक्शन हुई थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था 58 लाख रुपीज का रहा था। इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 85 लाख रुपीज का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि मीनाक्षी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। कलेक्शंस की बात हो गई, करते हैं गानों की बात। फिल्म में टोटल 8 गाने थे। सभी गानों को कंपोज किया था A.R. रहमान ने। गानों के लिरिक्स लिखे थे राहत इंदौरी, M.F. हुसैन और सुखविंदर सिंह ने। और गाने के जो सिंगर्स थे यानी गाने किसने गाए थे, उनके नाम थे रीना भारद्वाज, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, आशा भोसले जी, अलका याग्निक, मुर्ताजा खान और कादिर खान। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।